भारत आदिवासी पार्टी से सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक विवादित वीडियो के कारण वे चर्चा में हैं। दरअसल विधायक कमलेश डोडियार पर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के एक निजी डॉक्टर ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। सैलाना विधायक डोडियार पर 1 करोड़ रुपए मांगने के आरोप वाला डॉक्टर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहले इस वीडियो को देखिए। मिलने के लिए गया था, जब मिलने गया तो उन्होंने मुझसे बोले तो गार्ड साहब ने मेरे से मोबाइल वोबाइल लिया, मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर ले गए। अंदर मेरा एक ये अंकल सरल को भी साथ में लेके गया था, इनको इसको भी बाहर कर दिया। फिर मुझे बोला कहा क्या क्या डिग्री है बताओ। मैंने बोला फार्मासिस्ट हूँ, मैं मेडिकल लाइसेंस ले रखा है। तो उन्होंने बोला हमारे क्षेत्र में मैं नहीं रहने दूँगा। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा कितना दे सकते हो। उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूँगा। फिर आज अचानक से यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर पे आया और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर 3 घंटे से मेरे मेडिकल स्टोर पे आके बैठा रहा। उसके बाद बोला हमने जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जो है, क्या नाम उनका, दशरथ ढिंडोर, उनको आपके पास भेजा था बात करने के लिए, आपने उनसे बात क्यों नहीं की। आपको मौका दिया हमने बात करने की, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। अगर बात करते तो आपको ये नौबत नहीं आते, तेरे को ये आना नहीं पड़ता। अब तो तेरे को जेल भेजा के ही मैं मानूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला जी अगर तू 1 करोड़ रुपये मुझे दे सकता है तो मामला रफा दफा हो सकता है। उसके बाद जाते जाते भी मेरे को मुझे बोल रहा है ये अगर इसको रिवर्स हो सकता है, अगर कितना दे पाएगा बता। इस वीडियो के सामने आने के बाद विधायक ने भी अपना पक्ष रखा है और कहा है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है। अवैध कामों को करने वाले कुछ लोग उनके विधायक बनने के बाद दुखी हैं और इसी कारण ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। सुनिए इस मामले में विधायक कमलेश डोडियार का क्या कहना है। ये पैसा वैसा की मांग तो क्या है, अवैध काम करने वाले लोग पहले भी विधायकों को देते आ रहे थे ये पैसा, और पैसा एक बंदी टाइप हर महीने के हिसाब से ये लोग देते थे पहले, और पैसा देकर के अवैध काम करते हैं अपने इलाके में। मैं विधायक बना हूँ, मेरे इलाके के अंदर में जो अवैध टाइप के काम होते हैं, इससे अवैध काम ये करते हैं, ये कमाते हैं मुनाफा, मगर यहाँ लोगों को बहुत नुकसान होता है। आप जिसका कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो एक फेक तरीके से बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल की जी। मेडिकल का व्यापार करने के लिए, क्लिनिक चलाने के लिए, एक छोटा अस्पताल जिसे कहते हैं क्लिनिक जी हाँ, उसको शुरू करने के लिए MBBS या BAMS या BHMS की डिग्री होती है। फिर इन्हीं के आधार पर इनको सर्टिफिकेट मिलता है क्लिनिक चलाने के लिए। फिर दवाइयाँ कौन कौन सा यूज करना, ये इनकी डिग्री के आधार पर तय होता है जी। ऐसा नहीं कि कोई सा भी डॉक्टर जो है BAMS वाला भी MBBS का जो काम करता है वो चालू कर दे, ऐसा भी नहीं है जी। तो जिसका आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहा है, ये 20 लाख रुपए के आसपास लेकर के मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था सैलाना में जी। ये करोड़ की बात कहाँ से उठी है। हाँ, ये कह रहा था कि आप लोग 20-1 लाख रुपए में भी तत्काल व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं आपको इतना पैसा दूँ, बाद में मैं फिर आपको पैसा देता रहूंगा, मेरे को जो काम है मेरा ये करने दीजिए। वो 20 लाख रुपए देकर के और मेरे से ये कह रहा था कि मैं वो अबॉर्शन गर्भपात करता हूँ आदिवासी इलाके में, और इसमें मोटी रकम कमाता हूँ, और मेरा जो क्लिनिक भी चल रहा है अस्पताल, छोटे मोटे ऑपरेशन भी ये लोग करते, ये व्यक्ति करता था जी हाँ। इसका ये कहना था कि मैंने इससे पूछा तेरे पास डिग्री या कोई लाइसेंस है कि नहीं है डॉक्टर का काम करने के लिए। इसने कहा नहीं है, लेकिन मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ, आप मुझे भी करने दीजिए और मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। 20 लाख तो परसों तरसों मेरे पास ये आया था जी हाँ। तब भी ये कह रहा था कि मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, आप ये ले लो। मैंने उसे कहा तू 1 करोड़ रुपया मुझे देगा तो भी मेरे इलाके में तू अवैध काम नहीं कर पाएगा, मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए 20 लाख जी जी। 1 करोड़ देगा तो भी मैं तेरा अवैध काम नहीं करने दूंगा, मेरे इलाके से तेरे को मैं भगा दूंगा अवैध काम कर रहे इसलिए। और अगर अवैध काम करना हो तो अपना डिग्री लिया और संबंधित जो भी है मेडिकल वहां से आप लोग सर्टिफिकेट ले लो, परमिशन ले लो, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद में करो, कोई समस्या नहीं मेरी ओर से।